हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे स्मेल, कलर, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में हम लोग ऐसे ग्रुप के बारे में भी बातचीत करेंगे जिनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ये सभी पॉइंट्स मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मेल, कलर, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिर इसके बाद में कॉज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ग्रुप्स एफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सभी पॉइंट्स हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मेल से। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाता है उनकी स्मेल गायब होने लगती है। जो लोअर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें से स्मेल पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं स्मेल के बारे में बात करूँ तो बेसिकली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन से तीन कार्बन प्रेजेंट है सो दे हैव पंजेंट स्मेल। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दे हैव पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल हो गया भाई। अब इसके बाद में अगर चार कार्बन से आठ कार्बन प्रेजेंट है, चार कार्बन से अगर आठ कार्बन प्रेजेंट है दे हैव फेंट पंजेंट स्मेल हो गया भाई। मतलब है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इसकी स्मेल कम होने लगती है। यहाँ पर स्मेल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर स्मेल कम होगा। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में अबव 8 कार्बन से ज़्यादा होता है तो हैव नो स्मेल। हाँ ध्यान दीजिए भाई, अब अगर 8 कार्बन से ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है किसके केस में? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। अगर मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करूँ तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर लिख देता हूँ एरोमेटिक एसिड्स हैव नो स्मेल। जितने भी एरोमेटिक होते हैं उनमें से कोई भी स्मेल नहीं होता है। मतलब है कि लोअर मेंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव ओनली पंजेंट स्मेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं वैसे उनकी स्मेल गायब होने लगती है। अच्छा, अगर मैं कलर के बारे में बातचीत करता हूँ, कलर्स नेक्स्ट पॉइंट हो गया कलर। तो बेसिकली चाहे हम बातचीत करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ये सभी के सभी होते हैं कलरलेस। ये हो गया कलरलेस, ये सभी के सभी होते हैं कलरलेस। अब इसके बाद में फिजिकल स्टेट के बारे में बातचीत करते हैं। फिजिकल स्टेट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो खासतौर से ये देखा गया है फिजिकल स्टेट के केस में कि जितने भी बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें से एक कार्बन से अगर 10 कार्बन प्रेजेंट है, ध्यान दीजिए अगर एक कार्बन से 10 कार्बन प्रेजेंट है तो बेसिकली वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिक्विड स्टेट, रहते हैं लिक्विड स्टेट में। अगर 10 कार्बन से ज़्यादा हैं, जैसे अबव यहाँ पर लिख देता हूँ अबव 10 कार्बन, अगर 10 कार्बन से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वैक्स लाइक सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। वैक्स लाइक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 से 10 कार्बन हुआ तो मतलब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। इसी वजह से एसिडिक एसिड के बारे में बात करें तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में अबाउट 10 कार्बन दिया हुआ तो मतलब है कि वैक्स लाइक, जो है आपका कैंडल हो गया और मोम हो गया, तो उसकी तरह वैक्स लाइक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद में बेसिकली ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है किसके केस में? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। अगर मैं एरोमेटिक ले लेता हूँ एरोमेटिक, तो बेसिकली जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में दिया, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, तो जितने भी एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक जो एसिड होते हैं वो सभी एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये पार्ट हो गया भाई। तो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया इनो स्मेल, कलर और फिजिकल स्टेट। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली शुरू होता है सॉल्युबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो। और एसिडिक नेचर जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था यहाँ से डेफिनेटली कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं। तो बेसिकली ये पाया गया है कि जो लोअर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, परंतु हायर मेंबर जिसमें से ज़्यादा कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में डिक्रीज होने लगती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ SCOOH, इसमें एक ही कार्बन
डला हुआ इस एसिड में, फिर इसके बाद में सी एच थ्री सी डबल ओ एच ले लेता हूँ, फिर इसके बाद में सी एच थ्री और ये सी एच टू सी डबल ओ एच ले लिया। इसमें अगर आप देखें तो ये ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें से ये ग्रुप लगा हुआ है, इसके केस में ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके केस में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इधर से इधर मूव करेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में डिक्रीज होने लगती है। रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे ये ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं ये जो चेन इंक्रीज होने लगती है, तो जैसे जैसे ये चेन इंक्रीज होती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इनके पास में नहीं आ पाता और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं बना पाता है। एक और पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कि पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर। खासतौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने लगता है। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट। जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी आप ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है क्योंकि नॉन पोलर्स डोमिनेट करने लगता है। तो इस वजह से भी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं या तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट लगा करके भी आप इस पार्ट को समझ सकते हैं। तो खासतौर से इनमें से अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होता जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में डिक्रीज होने लगती है, मतलब है कि लोअर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये पार्ट तो हो गया भाई, अब इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा या बेसिकली रियलाइज किया होगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज होता जाता है तो वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने लगता है और उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगा और एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का भी ज़्यादा होने लगता है। ये कॉन्सेप्ट हम बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ सी एच थ्री सी डबल ओ एच, इसके बाद में मैंने ले लिया यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू और ये सी डबल ओ एच, और यहाँ पर ले लिया मैंने सी एच थ्री सी एच टू और सी एच टू और सी डबल ओ एच। इन एसिड्स के बारे में बात करें, इसमें कितना कार्बन लगा हुआ है, टू कार्बन, इसमें से कितना कार्बन है, थ्री कार्बन, इसमें कितना कार्बन है, फोर कार्बन। मतलब है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ेगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ट्रेंड बहुत ही आसानी से इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ में अगर ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज करके बेसिकली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो खासतौर से अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है यहाँ पर देखें, अगर आप इस कंपाउंड को अगर आप देखें, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ सी एच थ्री सी डबल ओ एन ओ एन एच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया हुआ है। आप लोगों ने सीखा होगा कि हाइड्रोजन कभी भी क्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ध्यान दीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इस फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सभी के सभी ये वंडर वाला फोर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर मैं अल्कोहल के साथ में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें ये हो गया सी एच थ्री और ये सी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सी डबल ओ और ये हो गया आपका एच, ठीक है, ये हो गया क्या एसिडिक एसिड है, अच्छा उन्हें ओ एच कर लेते हैं, ये हो गया ओ एन एच, ये एसिडिक एसिड है भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अगर मैं अल्कोहल ले लेता हूँ सी एच थ्री एन ओ एन एच, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें से वन, इसमें भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मतलब क्या दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए जो एसिडिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये बेसिकली शो करते हैं डाइमराइजेशन। आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में डाइमराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में या कुछ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे बेसिकली ये शो करते हैं डाइमराइजेशन, ये भी डाइमराइजेशन शो करते हैं। अब देख लेते हैं डाइमराइजेशन मतलब क्या होता है, डाइमराइजेशन डाई का मतलब क्या होता है, टू, मतलब टू मोल्स एक दूसरे के साथ में छोटे छोटे मॉलिक्यूल के जो टू मोल्स होते हैं एक दूसरे के साथ में कंडेंस होकर के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अब जो मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इंक्रीज हो जाता है ये सॉल्यूशन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अब इसके साथ में अगर इसका एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यहाँ पर सी एच थ्री ले लिया, ये हो गया सी हो गया, ये ओ एन एच हो गया और इसका ये हो गया भाई,
ठीक है। इसमें अगर आप देखते हैं होता क्या है, ये हो गया ये एसिडिक एसिड, ये भी एसिडिक एसिड है, टू मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड कंडेंस होकर के डाइमराइज करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें जब ये दोनों पास में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाता है। मतलब है कि जो जब दो एसिड्स पास में आते हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जब उनका डाइमराइजेशन होता है। अगर मैं अल्कोहल के केस में देखूँ तो बेसिकली होता क्या है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ भाई, ये हो गया ठीक है, इसको मैं यहाँ पे H कर लेता हूँ, एक ही बात है CH3 ऐसे कर लिया अल्कोहल है। अब इसके बाद में यहाँ पर ऐसे फिर से एक दूसरा अल्कोहल ले लेता हूँ, यहाँ पर हो गया जैसे CH3 हो गया ठीक है। अब इसके बाद में ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एसिड के बीच में डाइमराइजेशन हो रहा है, यहाँ अल्कोहल के बीच में डाइमराइजेशन हो रहा है, परंतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड के केस में ज़्यादा हो रहा है। इसमें से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें से एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड अल्कोहल के साथ में कंपेयर करेंगे, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिंस इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट या एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी पार्ट आप दिमाग में रखें, डाइमराइजेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें से जो एसिड्स होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो एज रिजल्ट ये अल्कोहल के साथ में जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है अल्कोहल से भी ज़्यादा इनका होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पार्ट हो गया बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक दूसरा पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज करके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो बेसिकली होता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट में बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, या ब्रांचिंग इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ठीक है, इसके आधार पर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाता है डिक्रीज होने लगता है, बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि ऐसा पाया जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिसमें से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होता है। मतलब है कि बेसिकली होता क्या है, इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया जाए कि यहाँ पर ले लिया CH3, ये ले लिया CH2 और ये हो गया COOH, ठीक है, थ्री मेंबर्स, यहाँ पर तीन कार्बन है, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली ये तीन कार्बन दिया हुआ है, अगर एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और इसमें CH2 हो गया और ये हो गया COOH, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं ले लेता हूँ CH3, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, इसके बाद में CH3, ये हो गया CH2 हो गया, फिर इसके बाद में CH2 हो गया, फिर इसके बाद में CH2 हो गया, फिर इसके बाद में COOH हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि जिस एसिड्स के पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। होता क्या है बेसिकली, अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो जो ट्रेंड हम निकालते हैं तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालते हैं। इनकेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनकेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हम यूज करते हैं लैटिस का कॉन्सेप्ट। जिस किसी भी सब्सटेंस में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। अब देखिए भाई, इसमें से अगर आप देखें 1, 2, 3, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, इसमें से 1, 2, 3, 4 इवन नंबर ऑफ कार्बन हो गया, अब इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो गया भाई, ऑड नंबर, तो इसमें से C3 कर देता हूँ, इसमें से C4 हो गया, ये हो गया C5। अब इसमें से अगर इन कंपाउंड्स को मालिक्यूल को कंप्रेस करना चाहें तो देखिए ये जो दोनों ग्रुप हैं तो नीचे की साइड है, जब कंप्रेस करेंगे तो ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं बेसिकली, आते हैं पास में और रिपल्सन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में लिया जाता है। आप लोगों ने आइसोमरिज्म में बेसिकली जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसमें से सिस एंड ट्रांस जब हम डिस्कस करते हैं तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम होता है तो वहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन द सिमिलर पैटर्न ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब ये पास में आएंगे लैटिस बनाने के लिए तो रिपल्सन होता है और रिपल्सन होगा तो लैटिस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो एंड के पॉइंट में आपको देखना है, एंड पार्ट में यहाँ पर एक एंड पार्ट हो गया, जब कंप्रेस करेंगे तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब है कि जब ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा तो पास में भी करेंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब है कि यहाँ पर रिपल्सन कम होगा और रिपल्सन कम होने की वजह से इसकी लैटिस स्ट्रांग होगी। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया,
कुछ ऐसे रही, तो ये ग्रुप क्या है नीचे साइड जा रहा है, ये ग्रुप ऊपर साइड जा रहा है, इसमें से क्या होगा भाई दोनों ग्रुप नीचे साइड हो गए, तो मतलब यहाँ पर रिपल्शन होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन कम होगा, एज ए रिजल्ट इसकी लाइटेज ज़्यादा होगी। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसको यहाँ पर इसका ग्रुप नीचे एंड पॉइंट में, इसका भी ग्रुप नीचे है, तो अगर इसको आप ऐसे ड्रा करना चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ग्रुप दोनों एक ही साइड है, मतलब है कि इनके बीच में रिपल्शन होगा जब हम इनको कंप्रेस करेंगे, मतलब है कि इसकी लैटिस वीक हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का केस। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द कॉज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट है कॉज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत कर लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा क्यों होती है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हो गया CH3COOH हो गया भाई। अब इसमें अगर आप देखें तो एसिड इस वजह से होता है क्योंकि H प्लस आयन रिलीज करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और H प्लस आयन रिलीज करता है, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर रहता है। परंतु यहां पे अगर आप देखें यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ना रिलीज करके ये H प्लस आयन ही क्यों रिलीज करता है, यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है बाई यूजिंग रेजोनेंस, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स मैंने लिया हुआ है और वहाँ पर मैंने ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगा करके एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा भाई, इसमें ध्यान दे लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ये हाइड्रोजन ही क्यों रिलीज करता है, OH क्यों नहीं रिलीज करता, ये पार्ट बेसिकली आपको रेजोनेंस से समझना है। अब ध्यान दीजिए भाई, कभी भी अगर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो गया CH2 एंड पाज़िटिव टू चार्ज दिया है, कभी भी अगर आपका यहाँ पर दिया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाज़िटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस होता है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पाज़िटिव और ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पाज़िटिव नेगेटिव के बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब रेजोनेंस हो जाएगा। कभी भी अगर आपका दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2- दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब है कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये पाज़िटिव हो जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पाज़िटिव हो जाएगा, ये पाज़िटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे भाई, तो रेजोनेंस हो गया। अब इसके बाद में एक और पॉइंट दिमाग में रखें, अगर CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है CH और ये पाज़िटिव चार्ज दिया हुआ है, डबल बॉन्ड के बाद में इमिडिएटली अगर पाज़िटिव चार्ज है, वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर कभी भी इमिडिएटली आपका डबल बॉन्ड के बाद में नेगेटिव चार्ज दिया है तो वो भी आपका बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये पार्ट हो गया रेजोनेंस से और यहाँ पर मतलब कि इन दोनों में रेजोनेंस हो गया, इसमें से रेजोनेंस नहीं है, यह हाईली अनस्टेबल हो गया। एक पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा कि जिस किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी वैसे इंक्रीज हो जाती है, हायर द रेजोनेंस हायर इज द स्टेबिलिटी। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ, अगर OH ग्रुप है, हम देख लेते हैं ये OH ग्रुप क्यों नहीं रिलीज करना चाहेगा। अगर OH ग्रुप मैं हटाना चाहता हूँ, मान लिया जाए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसका बेसिक नेचर शो करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू देन कार्बन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए हाँ, ये हो गया भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर शो करना चाहें, मैंने लोन पेयर शो कर दिया, यहाँ पे अगर आप देखें डबल वन के बाद में इमिडिएटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि हाईली अनस्टेबल जोन में जा रहा है। अगर आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मतलब डबल वन इमिडिएटली पॉजिटिव चार्ज, डबल वन इमिडिएटली पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली ये अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहेगा, कोई भी कंपाउंड अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता, हर एक कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। अगर मान लिया जाए कि मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, चलिए इस पार्शियल चार्ज में हटा देता हूँ, यहाँ से ब्रेक कर दिया भाई, तो जब ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए डबल वन सिंगल वन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल वन सिंगल वन नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस है, अगर रेजोनेंस है इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये सिस्टम की, ये जो सिस्टम है बेसिकली इसकी ड्यू टू द रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस हो गया और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये स्टेबलाइज्ड जोन में जाने के लिए हाइड्रोजन को रिलीज करना प्रेफर करेगा इंस्टेड OH ग्रुप को निकालने के बजाय, ठीक है ना भाई। तो यही रीजन होता है कि एसिडिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप है, OH ग्रुप को ना हटा करके ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करना प्रेफर करता है, क्योंकि वो पार्ट चला जाता है स्टेबिलिटी में। तो ये हो गया कॉज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे द ग्रुप्स अफेक्टिंग
द ग्रुप्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ ध्यान दीजिए, आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, ये इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली, चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन में आ जाते हैं क्योंकि ये पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा टू टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव मीन्स आई सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। जितने भी प्लस आई इफेक्ट होते हैं बेसिकली, जितने भी ये प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब जैसे ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3, ये हो गया C2H5 एंड ये हो गया C3H7। मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं एल्काइल ग्रुप से, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। मतलब है कि वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता भी इंक्रीज होती जाती है। अगर मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड ले लिया, ये CH3 COOH और यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 और ये COOH होता है। एसिड में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बेसिकली जो एसिड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बेसिकली ये यहाँ से बेसिकली बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करता है। ठीक है भाई, लीजिए मैं ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। अब होता क्या है बेसिकली, अगर इन दोनों की एसिडिक करेक्टर को मैं कंपेयर करना चाहूँ, ये ज़्यादा एसिडिक है या ये ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस ग्रुप को हटा करके यहाँ पर देखें कौन सा इफेक्ट लगा है, प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये C2H5, ये प्लस आई इफेक्ट लगा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके केस में ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसके केस में प्लस आई इफेक्ट कम है क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन लगे हुए हैं। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है। जब इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप जो होते हैं तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव होता है, जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है कैरिंग नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है। जब ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पर ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब है कि हाइड्रोजन को निकालना हो जाएगा मुश्किल। परंतु इसके केस में अगर आप देखें तो प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, परंतु प्लस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं लगा जितना कि इसमें लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ने से तो सप्लाई करेगा, ये नेगेटिव चार्ज तो इंक्रीज होगा परंतु इतना इंक्रीज नहीं होगा कि जितना इसमें इंक्रीज हो रहा है। मतलब है कि इसमें से अट्रैक्शन कम होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि इसके केस में हाइड्रोजन आसानी से निकाला जा सकता है, और जो एसिड जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो यही पार्ट आप दिमाग में रखें, बेसिकली अगर जितना प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस आई इफेक्ट लिख देता हूँ, अगर इंक्रीज होगा तो जो एसिडिक करेक्टर होता है डिक्रीज होने लगता है। ये हो गया भाई। अगर कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया COOH, ये हो गया COOH हो गया COOH, इसके बाद में मैं ले लेता हूँ CH2, ये हो गया COOH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में CH2, यहाँ पर मैंने लिया CH2, ये हो गया COOH। अगर इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम डिटरमिन करना चाहें तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट आ गया, यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट आ गए। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा एसिडिक नेचर जो है करेक्टर है क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा इन कंपेरिजन टू इन दोनों कंपाउंड के। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट कम लगा हुआ है। अगर खासतौर से अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और कंपाउंड HCOOH, यहाँ पर ले लिया मैंने एसिडिक एसिड। ठीक है, अगर इन दोनों में अगर आप एसिडिक करेक्टर डिटरमिन करना चाहें तो इसमें एक भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। जिसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो बेसिकली उसका एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो ध्यान दीजिए ये पार्ट। अब इसके बाद में मैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत कर लेता हूँ भाई, माइनस आई इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट बेसिकली जो माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसको अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका आई हो गया, इसके बाद में
बी आर हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पर हो गया सी एल हो गया, एफ हो गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है उनकी टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ती जाती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पुल करने की। मतलब अगर इन हैलोजन्स में अगर आप बात करें तो इस हैलोजन की जो फ्लोरीन की है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होगी। एज ए रिजल्ट ये सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ले लेते हैं साइनो ग्रुप हो गया, फिर इसके बाद में एनो टू ग्रुप हो जाता है, फिर इसके बाद में सी एफ थ्री ये हो गया। इसमें से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए, मतलब इसका जो माइनस आई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं कुछ कंपाउंड्स ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया F हो गया, CH2 हो गया और यहाँ पर COOH हो गया, ठीक है। इसके बाद में फ्लोरीन और यहाँ पर हो गया क्लोरीन ले लिया, CH2 COOH ले लिया, फिर इसके बाद में BRs CH2 और COOH हो गया, इसके बाद में I और CH2 COOH हो गया, ठीक है। इन सभी एसिड्स में अगर मैं एसिडिक करेक्टर के बारे में बात करूँ किसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली क्या होता है, इनको ब्रेक करिए। एसिडिक का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इनमें से जो ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, ये क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये जो आपके माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, ये माइनस आई ग्रुप, तो इन सभी ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग कौन करेगा, ये करेगा, फिर इसके बाद में ये करेगा, फिर इसके बाद में ये करेगा। अब देखिए भाई, जब ये हैलोजन जो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसको पुल कर लेगा अपनी साइड, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है डिक्रीज होने लगेगा। जब ये इसको इधर पुल करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होने लगेगा भाई, डिक्रीज होने लगेगा। जब डिक्रीज होने लगेगा मतलब कि जब चार्ज डिक्रीज होने लगता है वहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता है कम, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अट्रैक्शन हो जाएगा कम क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है, और ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, इसका मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, वीक हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा, मतलब है कि इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पुलिंग ये करेगा, फिर इसके बाद में ये करेगा, फिर इसके बाद में ये करेगा, इसके बाद में ये करेगा, मतलब जो जितना ज़्यादा पुलिंग करेगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होने लगेगा। ये पार्ट हो गया, मतलब है कि जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट लगा होगा, मैं इस पार्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट लगा होगा उसका एसिडिक करेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला हुआ है कि अगर एसिड्स में या कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब है कि एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप लगे हुए हैं तो उस एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर हो जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए हम कंपाउंड्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, ये हो गया आपका CCl3 हो गया, ये CH2 और COOH हो गया, इसमें से CCl यहाँ पर ये ले लेते हैं Cl2 और ये हो गया CH और फिर इसके बाद में CH2 और ये COOH हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ले लेता हूँ Cl CH2 और COOH हो गया, इसके बाद में यहाँ पर CH3 और ये हो गया COOH। अब ध्यान दीजिए भाई, इन सभी में अगर मुझे डिटरमिन करना है सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर कौन सा होगा, तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा हुआ सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में इसमें, फिर इसके बाद में इसमें, यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट आ गया ना भाई, प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा होता है या प्रेजेंट होता है उसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। जिसमें जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप लगा होगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर सी, इसको सी एल करना होना है तो सी एल कर लेता हूँ, तो इसके बाद में ये ट्रेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है। इसके साथ में अगर एक और कंपाउंड्स ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये हो गया CH3, ये CH यहाँ पर CL लगा दिया और ये COOH, अच्छा इसको CH2 कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ CH3 और ये COOH हो गया। अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पर CH3 कर लिया, ये CH, यहाँ पर CL कर लिया, ये CH2 हो गया, COOH हो गया, और इसके बाद में ये हो गया आपका CH2, ये CL कर लिया, CH2 ये हो गया COOH, ये दिए हैं भाई एसिड।
अगर इन तीनों में मुझे डिटरमिन करना है सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर कौन हो गया, तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस ग्रुप के पास में यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें किसके केस में इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें अगर आप देखें जो सीएल लगा हुआ तो सबसे पास में लगा हुआ है, इस ग्रुप के सबसे पास में, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी इस माइनस आई ग्रुप की, वैसे वैसे इसकी टेंडेंसी या पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसमें और भी इंक्रीज हो गया डिस्टेंस, मतलब कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग यहाँ पर होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होने लगेगी। मतलब है कि ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक इन स्ट्रेंथ, और ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये ट्रेंड आपको मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली ये केवल हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट कवर अप कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको दिमाग में है प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस माइनस आई इफेक्ट के बारे में अगर नॉलेज है, जो आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहाँ से वो इफेक्ट को लगा करके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बाद में जैसे दिया हुआ है आपका रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस भी अगर लगा हुआ है तो जिस किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस होता है तो वहाँ से भी एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होने लगता है। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से इंक्रीज होती है, नो डाउट अबाउट इट, परंतु एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज होने लगता है। अगर रेजोनेंस अगर कम होगा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये पार्ट बेसिकली मैंने एक वीडियो डाला हुआ है रिलेटेड टू एसिडिक हाइड्रोजन, सो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और उससे आप आसानी से एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक करेक्टर के बारे में आप डिफरेंट कंपाउंड्स आप आसानी से समझ सकते हैं।